हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और मैं बहुत दिनों के बाद फिर से ऐसे ढंग के वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब लास्ट वीक टाइम नहीं था, लास्ट वीक में गया था वैष्णो देवी टेम्पल, बहुत अच्छा लगा, मतलब मस्त फीलिंग था वो। मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे IBPS क्लर्क का DP को लेकर, ठीक है। तो मुझे आज मैं क्लास में बैठा था, ठीक है, और मुझे फ़ोन आया कि हेलो आप किशन कुमार राउत बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, हम बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपका हुआ है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं। वो पहले ही पूछे कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे पहले डाउट हो थोड़ा कि मतलब ऐसे थोड़ी ना फ़ोन करके पूछता है, मुझे लगा कि शायद कोई काम वगैरह होगा। तो मैंने बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला हम बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस से बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। और उसके बाद उन्होंने बोला क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? मैंने बोला कि मेरे दूसरे जगह पर हो गया। तो उन्होंने पूछा कि कौन से बैंक में हुआ है आपका? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे बैंक में नहीं, मेरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है करके, तो बस इतना ही था, काट दिया। और मुझे पता नहीं था लिस्ट आ गया, ठीक है। दो दिन पहले ही शायद बैंक ऑफ इंडिया का लिस्ट आ चुका है, ठीक है। ये रहा लिस्ट, आप देख सकते हैं। और मेरा जोन हुआ है केंजर, ठीक है। मुझे लग रहा था भुवनेश्वर जोन देंगे, ठीक है, मुझे दिया है केंजर, जो कि भुवनेश्वर से मतलब काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर इन द सेंस कि 7-8 घंटे का रास्ता होगा भुवनेश्वर से, ठीक है। उड़ीसा में ही है लेकिन 7-8 घंटे का रास्ता है। लेकिन हालांकि जो भी हो, मतलब यहाँ पे तो ये वाला हो गया, यहाँ पे तो सही है बना। वहाँ पे केंजर में जाके पता नहीं कहाँ पे किस गांव में मुझे मतलब दे देते पोस्टिंग वहाँ पे। और अभी तो इलेक्शन ख़त्म हो गया रिजल्ट, और रिजल्ट भी काफ़ी शॉकिंग रहा। जैसे कि उड़ीसा में, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ लोकसभा में BJP ज़्यादा सीट पाएगा और विधानसभा में BJD, लेकिन ये जो रिजल्ट रहा ना वो पूरा अनएक्सपेक्टेड था, मैं कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा करके। और मुझे काफ़ी दुख भी लग रहा है, ठीक है, नवीन पटनायक जी के लिए। मैं हम लोग जो भी सर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ना, सबको सब कोई मतलब हर कोई मतलब थोड़ा दुखी है उनके लिए, ठीक है। 25 साल से वो रहे हमारे चीफ मिनिस्टर और अभी कोई नया आएगा, तो मेरे लिए जैसे मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे पता है कि नवीन पटनायक जी हमारे CM है, ठीक है। तो मेरे लिए हम सब मतलब मेजोरिटी जो मिलेनियल्स हैं उड़ीसा में स्पेशली, उनके लिए अभी नया चीफ मिनिस्टर आएगा कोई, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट फीलिंग रहता है, मैं पता नहीं कैसे बोलूँ आपको, एक्सप्रेस करूँ, लेकिन मुझे तो वैसा ही लग रहा है कि कुछ नया होने को जा रहा है, मतलब देखते हैं क्या होगा। उसके बाद सेंटर में भी पता नहीं क्या क्या इलेक्शन, मतलब कैसा सब चल रहा है अनएक्सपेक्टेड सेंटर का। मुझे लगा था BJP 300 पार कर देगी आराम से, 310-300 करेगा, लेकिन वही UP में थोड़ा मतलब पता नहीं क्या हो गया उसका। चलो थोड़ा पॉलिटिक्स की बातें हम छोड़ते हैं। बाकी अभी बहुत सारे एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए, SBI PO का सर्कल लेटर भी आ गया है, ठीक है, और NHB का रिजल्ट आया है, और किसका रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट आ गया ना, खाली SBI क्लर्क का बाकी है। मैंने उसको दिया था, पता नहीं क्या होगा उसमें, मतलब मुझे तो लग रहा है थोड़ा चांसेस शायद हो सकता है या फिर ना भी हो, लेकिन उससे कुछ अभी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और बाकी मैं अभी रेगुलरली वीडियोज़ बनाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं वो सारे वीडियोस बनाऊंगा जो आपको देखने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है भाई, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह में, लेकिन मेरा थोड़ा वो सार्कास्टिक, मैं उसमें सार्कास्म बहुत डालूंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब रेस्पेक्टफुली वे में मैं ट्रोल करूंगा या फिर किसी को, लेकिन वो थोड़ा मतलब सार्कास्म ज़्यादा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप देख सकते हैं कोई बिगिनर टाइप का अगर आप है तो। और बाकी RRB PO क्लर्क का वैकेंसीज आ गया, ठीक है, मैं उसके रिगार्डिंग अलग एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं देख रहा हूँ भाई वहाँ पे उड़ीसा में भाई क्या वैकेंसीज आया यार, मैं 3 साल में जितना वैकेंसीज नहीं आया, इस बार साला एक वैकेंसी इस बार इतना आ गया। हालांकि मैं जब एग्जाम देता था तभी वैकेंसीज आता ही नहीं था बिल्कुल RRB PO में। कल लास्ट ईयर आया था 6 वैकेंसीज, उससे पहले शायद आया था 20 वैकेंसीज की 25 वैकेंसीज ऐसा। UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार UR कैटेगरी में PO में है कितना, 73 वैकेंसीज। चलो ठीक है, जो भी है इस बार तो देना नहीं है मुझे, लेकिन मैं वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि वैसे वीडियोस में ही व्यूज़ आते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे वीडियोस में व्यूज़ आते हैं। मुझे वैसा वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अभी व्यूज़ चाहिए थोड़ा। देखो भाई, मैं जो भी करूँगा ना मैं पूरा साफ सुथरा बोल दूँगा, ठीक है, मुझे जो लगता है मैं बोल दूँगा वहाँ पे। और मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर कुछ बोलता हूँ अंदर कुछ रखता हूँ, मेरा कुछ वैसा नहीं है कुछ, ठीक है। और बस भाई था, हालाँकि तो ऑलरेडी RRB PO का तो खिचड़ी लोग यहाँ पे डाल चुके हैं यूट्यूब पे, रायता फैला रखे हैं, ये कर लो, मतलब क्या यार, उसको रिगार्डिंग मैं एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं। बस भाई था, और आप लोगों का IBPS क्लर्क हुआ है, आप लोगों का कौन सा बैंक हुआ है और आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बस वही था वीडियो में, अगर आपको चैनल करना अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा अभी, और अभी कुछ बच्चों दिन नहीं, अभी पूरा टाइम टू टाइम रेगुलरली मैं वीडियोस डालूंगा यहाँ पे। बस वही था, फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।